बांका के नगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया मोहल्ले में हुए मदरसा भवन में विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो मदरसे के अंदर आईईडी का ब्लास्ट हुआ है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यहां से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद पूरा गांव खाली है, ये भी जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम ने यहां से जांच के नमूने लिए हैं, तहकीकात के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में मदरसे की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हादसे के बाद गांव में इक्का दुक्का बुजुर्ग ही नजर आ रहे हैं। संवाददाता से बातचीत के दौरान एक बुजुर्ग ने बताया कि हमले में एक मौलवी की मौत हो गई है, लोग गांव में क्यों नहीं हैं मुझे नहीं मालूम। वहीं नूरी मस्जिद के जांच के दौरान महरूम मौलाना अब्दुल मोमिन अंसारी से जुड़े कुछ अहम कागजात भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मौलाना 17 मई को जिला प्रशासन से ई पास लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित सौदग्राम किसी कार्य में गए हुए थे। इसके अलावा कुछ मेडिकल कागजात भी मलबे से बरामद हुआ है और सिलेंडर भी मिला है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि महरूम मौलवी अब्दुल मोमिन का तबलीगी जमात से ताल्लुक था, हालांकि बांका पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। एफएसएल टीम को विस्फोट में मिले बारूद के अंश एक बक्से में रखा मिला है। जानकारी के मुताबिक मदरसे के अंदर के कार्यालय के एक बक्से में बम था जो विस्फोट कर गया। बम की क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मदरसा पूरी तरह जमींदोज हो गया है और आसपास के कई घरों में भी दरारें आ गई हैं। यहां से कुछ साक्ष्य संकलित किए हैं और जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके बारे में भी हम लोग अभी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या है, किस परिस्थिति में हुआ है, इसको भी जानने में थोड़ा और समय लगेगा। प्रथम दृष्टिया तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है और इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है, इसी को हम लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पूरा गांव खाली है, क्या लग रहा है? ये भी एक जांच का विषय है कि ब्लास्ट होने के बाद गांव के लोग जो है वो, कल तो प्रत्यक्षदर्शी कुछ हम लोगों को मिले थे और कल हम लोगों ने बहुत लोगों का बयान भी दर्ज किया है, बहुत सारी महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, बट अभी कुछ लोग यहां पे आसपास नहीं हैं, तो वो भी एक जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों इस तरह से गांव के लोग आसपास अभी नहीं हैं। सर, इमाम के बारे में कोई जानकारी है कि यहाँ 10 साल रहने के बाद वो निजाम चले गए थे, फिर यहाँ आए सारा केरन? ये सब अनुसंधान का विषय है, उसको अभी इतना आपके साथ शेयर कर पाना संभव नहीं। थैंक यू सर। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से पास के गांव मजलिसपुर से इस गांव का विवाद चलता रहा है। बता दें कि नवटोलिया और मजलिसपुर गांव में 20 दिन पहले भी विवाद हुआ था। विवाद और मदरसे में रखे बम को एक साथ जोड़कर पुलिस जांच कर रही है। बांका से कुंदन भगत की रिपोर्ट। बाराहट थाना क्षेत्र के लखी प्रसाद खेतान महाविद्यालय के समीप बाराहट पंजवारा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में सबलपुर पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 166 में कार्यरत 35 वर्षीय सेविका प्रियंका देवी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पंजवारा की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक एक महिला के साथ बड़ी तेजी से बाराहट की ओर जा रहा था। इसी दौरान कॉलेज के समीप तीखा मोड़ होने की वजह से बाइक सवार ने वाहन पर से अपना संतुलन खो दिया और अनियंत्रित होकर वह काफी दूर तक फिसलते हुए मोटरसाइकिल के साथ ही चलता गया।
इस दौरान मोटरसाइकिल पर बैठी महिला दूर जा गिरी और उसके सर में काफी गंभीर चोटें लगी है, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल के साथ घसीटता हुआ युवक 200 मीटर तक चला गया, जिससे उसका सर और हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। मामले की जानकारी कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची एवं समाज सेवी ओम प्रकाश यादव ने आनन फानन में जख्मी युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जबकि महिला को भी चिकित्सक की अंतिम पुष्टि के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो दूसरी तरफ घायल युवक को उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। अस्पताल पहुंचे मृतिका के पति उमेश रजक ने बताया, प्रियंका को आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ रिपोर्ट बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना था, जिसको लेकर वह छोटा भाई संजीव कुमार रजक के साथ मुख्यालय मोटरसाइकिल से निकली थी, लेकिन इसी बीच सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस बीच मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष एचडी प्रभाकर ने पुलिस बलों के सहयोग से शव का पंचनामा करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। बौंसी थाना क्षेत्र के रतनसार गांव के समीप झाड़ियों से एक महिला का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुट गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने झाड़ी में छत विछत अवस्था में शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक शव को देखकर लगता है कि 5-6 दिन पूर्व हत्या की गई है और शव को यहां फेंक दिया गया है। मृतिका की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बांका जिले के धुरैया थाना अंतर्गत गिरुआ नदी में स्नान करने के लिए गए 12 वर्षीय बच्चे दानिश की मौत पानी में डूबने से हो गई। बताया जाता है कि बटसार पंचायत के बलमचक गांव के मोहम्मद साहिद का पुत्र दानिश अपने साथी के साथ स्नान करने के लिए गिरुआ नदी गया था। इसी दौरान नदी के गड्ढे में अधिक पानी होने से करनस कुंड में वह गिर गया। बच्चे को डूबता देख अन्य बच्चों ने चिल्लाते हुए इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद गांव के लोग जमा हो गए और कुंड की गहराई में घंटों खोजबीन के बाद सबको बरामद किया गया। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठोर घाट के समीप खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत मिट्टी की खुदाई करता एक जेसीबी वाहन को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश मोड़ चौक के समीप अमरपुर पुलिस के द्वारा बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मामले को लेकर खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान ने बताया कि छापेमारी अभियान के तहत मिट्टी की खुदाई करता एक जेसीबी वाहन को जब्त किया गया है, जिस संबंध में वाहन चालकों से पूछताछ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गश्ती वाहन को देखकर भाग रहे बालू लदी ट्रैक्टर को खदेड़कर जब्त किया गया है। जब्त दोनों वाहनों की कागजात चालान आदि की जांच की जा रही है। धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में भैंस बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए। सोमवार को संध्या 7 बजे रामपुर गांव के दो पक्षों के बीच आपस में जमकर लाठियां और लोहे के रॉड बरसाई गई, जिससे कि एक पक्ष के दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर एक पक्ष के द्वारा थाना में लिखित आवेदन देकर FIR दर्ज करते हुए आरोप लगाया गया कि रामपुर गांव निवासी मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद इजाज, मोहम्मद रहीम उर्फ बाजो लाठी एवं डंडे की रॉड से लैस होकर आया और सिर पर जोर से हमला कर दिया, जिससे कि 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जख्मी को धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद जब्बार को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट में एक पक्ष से मोहम्मद अतिकुर रहमान, मोहम्मद अयाज, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद जलील, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद शमसाद, साजमा खातून एवं बीबी नगमा घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से किसी जख्मी की सूचना नहीं है। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस ने मामले में दूसरे पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।